जो ये थिएटर फेस्टिवल चल रहा है, इसमें आपने किन किन नाटकों का चयन किया? देखिए, पहले तो हमने जितने भी हमारे नए नए लोग हैं, उन लोगों को हमने पहले इस प्लेटफॉर्म, हमने एक वो बनाया है जो अलग अलग जगह से और अलग अलग नाटक हैं, इसमें अलग अलग किस्म के चेकऑफ के हैं, कुछ डेविड हॉट्स के हैं, मतलब कुछ ऐसे हमने लिए हैं। और हमारा ये जो फेस्टिवल का उद्देश्य है कि हमें नए जितने भी लोग हैं उनको लेके एक, मतलब एक फेस्टिवल हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, और आगे हम सोच रहे हैं और भी इससे बढ़िया और कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ। ये हमारी पहली मतलब कोशिश है। तो आपने पहली बार कोशिश की, तो इसमें क्या, किन परेशानियों से जूझना पड़ा, या फिर ये सब चीज़ें आसान होती चली गई? नहीं, देखिए, आसान तो कुछ नहीं होती है। एक ग्रुप को फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करना और उसके बाद उसके पीछे बैक स्टेज का भी बहुत वो होता है, जैसे ऐड होता है, फाइनेंशियली वो होता है, और फाइनेंशियली अगर आपको सपोर्ट मिलेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके पहले तो कुछ दिमाग खुलता ही नहीं है। आप किसी को भी अगर बुलाते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपका मिनिमम कुछ तो देना ही पड़ता है, कुछ तो इसलिए काफ़ी मुश्किलें आई हैं। और ये पहला हमारा एक्सपीरियंस है, तो लगता है कि इसलिए आपको खुद ही पता है कि अगर पहली कोई चीज़ करते हैं तो थोड़ा तो कठिनाइयाँ आती हैं, उसके बाद तो फिर नॉर्मली फिर होने लगता है। आपके मन में ये फेस्टिवल करने का कैसे आया, और इसका मेन मकसद आपका क्या था? देखिए, हमें शुरू से ही बड़ा वो था कि ये आइडिया जो था हमारा 2 साल पहले का था, और 2 साल पहले मेरा एक हमारे मित्र हैं जस्ट डायल में, जो हैं, जो इज अ चेयरपर्सन, और उनके आइडिया से ये आया कि भाई क्यों ना फेस्टिवल किया करो तुम लोग। तो हमने कहा ये बात तो है, लेकिन फेस्टिवल करने का मतलब होता है, एक फेस्टिवल होता है, अगर आप 4 प्रे भी करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, थॉट क्या आता है कि यार फाइनेंशियली कैसे क्या होगा, सबसे मेन, क्योंकि फाइनेंशियली जब तक ना हो तब तक एक ग्रुप सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और थिएटर की हालत तो आपको पता ही है क्या हालत हो रही है, आगे एक्टर भी बनना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तो एक्टर भी काम करता है तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं काम करता, और एक बार करने के बाद उसको लगता है मैं बॉम्बे चले जाऊँ। तो ये अभी थिएटर की भी बहुत बुरी हालत होती जा रही है, आस्ते आस्ते मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। नए लोग जुड़ रहे हैं, बट नए लोगों के साथ वो फिर वो लोग निकल जाते हैं। तो अभी पहले होता था कि सिखा रहे हैं आप, लेकिन आजकल क्या है, सिखा रहे हैं लेकिन जल्दी निकल रहे हैं। मेरा कैरेक्टर नेम है डुगडुगी। मैं एक अष्टमंगली लड़की हूँ जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, जिसके फादर बहुत परेशान हैं, और नॉर्मली फैमिलीज़ में आजकल लड़की की अगर शादी नहीं होती तो सब पेरेंट्स होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो मेरे साथ मेरा शनि भी भारी है, मंगल भी भारी है, तो मैं एक अष्टमंगली भी हूँ, तो इस वजह से कोई लड़का नहीं मिल पा रहा, मेरी शादी नहीं हो पा रही, इसलिए मेरे फादर बहुत परेशान हैं और मैं इस वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई। मैं खंजड़ी चाचा का रोल निभा रहा हूँ, तो मेरी बेटी जो है वो अष्टमंगली है। अच्छा। चेखव ने जो प्रपोज़ल लिखा है, इसमें जो हमारी आम लाइफ में हम शादी को जिस तरह से लेते हैं तो अक्सर कहा जाता है अच्छी जोड़ी, लेकिन उन्होंने ये दिखाया है कि अच्छी जोड़ी में भी बहुत झगड़े होते हैं, और इसी बात को उन्होंने इस प्ले में उठाया है कि किस तरह से अच्छी जोड़ी में भी झगड़े होते हैं, फिर वो अलग होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर झगड़े होते हैं, फिर इसी रिपीटेशन को जो हमारी लाइफ में चलता रहता है और हम स्वीकार भी लेते हैं, इसको उन्होंने कॉमेडी के माध्यम से इसको ऊपर निकाला है।
और पंत जी की जो उसमें डायरेक्शन की खासियत है वो ये है कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से निकाला है, और इसमें जो फिज़िकल एक्शन है सिर्फ ये वर्बल एक्शन की वजह है, जो फिज़िकल एक्शन भी उन्होंने डाला है वो मुझे लगता है कि इसकी विशेषता है इस नाटक में, और चेखव के नाटकों में मुझे लगता है कि इसकी बहुत अति आवश्यकता भी है। हाँ, इसमें हमने एक जो पक्ष है अष्टमंगली का ज़रूर अपनी तरफ से डाला है, क्योंकि इसको थोड़ा इंडियनाइज किया है। हाँ। कि इंडिया में शादी के वक्त में थोड़ा सा ये कुंडली वगैरह मिलाते हैं। अच्छा, आप सीरियस भी नाटक करते हैं और कॉमेडी भी करते हैं और हर तरह के नाटक करते हैं, तो फिर क्या अलग महसूस करते हैं कॉमेडी करते वक्त? देखिए, एज एन एक्टर तो मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर की अपनी एक मर्यादा है जो आपको निभानी होती है, तो सीरियस नाटक में उसकी अपनी मर्यादा है, वो अलग किस्म की है, और कॉमेडी में अलग किस्म की है, तो उनके अपने प्लस और नेगेटिव्स तो हैं ही, और उसमें जो मेहनत चाहिए वो अलग अलग टाइप की होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस तरह नहीं कह सकता कि ये ज़्यादा आसान है ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मर्यादा स्टे करके उसको मतलब बड़े स्थायी तरीके से निभाना वो भी दिक्कत वाला है, और उसको तेज़ी से करते हुए और निकल जाना, कॉमेडी में जैसे टाइमिंग करते हैं फास्ट करते हैं उसको भी करना मुश्किल है। मतलब हर तरह से अपनी मुश्किलें और अपनी आसानियाँ, और हर कैरेक्टर का अपना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको देना पड़ता है, वो जिम्मेवारी एक एक्टर को निभानी पड़ती है। और इस नाटक में मेरा कैरेक्टर है डमरू, और इसमें नाटक कॉमेडी है, मैं मांगलिक हूँ और मैं प्रपोजल लेके आता हूँ मांगलिक लड़की जो मेरे पड़ोस में रहती है, और हम मैं इसके पास आता हूँ और मेरे खंजी चाचा जी है, ये डुगडुगी है, मिलते हैं, मैं अपना प्रस्ताव रखता हूँ, बात करता हूँ, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, प्यार होता है, तो लास्ट में यही है कि जो हकीकत में लोगों का सोच है लोगों की कि मांगलिक लड़की के साथ ऐसे होता है। घर में कोई है? अरे है क्यों नहीं, सब लोग हैं, जाने सुबह सुबह कौन मरने चला है? पता नहीं कौन हो सकता। नमस्ते खंजी चाचा जी। अरे उधर नहीं, इधर। अरे डमरू, अरे डमरू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी आंखों के सामने डमरू जी का जाता खड़ा है। अरे बेटा, तुम तो हमें भूल ही गए। हाँ, तुमने सोचा होगा कि तुम्हारा चाचा मर मर गया होगा, क्यों नहीं? अरे नहीं चाचा जी, ऐसी बात मत कीजिए, आप तो जानते कि मेरा दिल कितना कमजोर है, अभी धड़कना शुरू हो जाएगा। आपको याद नहीं दशहरे के मेले में जब आपकी पैर के अंदर पटाखा घुस गया था? अरे हाँ, याद आया, क्या बताऊं, मेरी याददाश्त आज कल कुछ कमजोर हो गई है। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन तुम इतना बनसौटी कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये नई पैंट, ये नई शर्ट, अरे लाल दिल्ली, जरूर कहीं जाने की तैयारी है। मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपका हाल चाल। हाँ, ये बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, अगर तुम हमारा हाल चाल नहीं पूछोगे तो भला कौन पूछेगा। तो आप कॉमेडी भी करती हैं, सीरियस भी करती हैं, और हर तरह के नाटक करती हैं, तो फिर क्या आपको अलग लगता है कॉमेडी और अलग नाटकों दूसरे नाटकों में? कॉमेडी में ये है कि हम लोग कॉमेडी के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें एकदम कट टू कट, कट टू कट होता है, क्योंकि अगर हम उसी चीज़ को हम उसी वक्त नहीं बोलेंगे, एक्शन और रिएक्शन का खेल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी डिले किया तो ऑडियंस हंसेगी नहीं, हंसेगी नहीं तो फिर वो कॉमेडी प्ले का मज़ा चला जाता है। सीरियस प्ले एक्चुअली लोगों के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि आजकल की भागा दौड़ी वाली लाइफ, उसमें बहुत सारे लोग अपने अपने कैरेक्टर के साथ खेलते हैं या इमोशनल भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, कॉमेडी करना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और हंसना बहुत कम हो जाता है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं कॉमेडी करूं ज़्यादा और खुश रहूं और लोगों को भी खुश रखूं। शर्माओ भी मत, अरे यार बताओ भी बात क्या है? वो मौसी के दादा की मौसी की शादी आपसे, मतलब टुटुकी से, मतलब टुटुकी की शादी मेरे से? हे भगवान, तूने पुजारी की बात सुन ली है? अरे बाबा जी, आपने जो गोलगप्पे खाने का नुस्खा बताया था वो काम कर गया। यहाँ आराम से बैठो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी डुक्की की किस्मत इतनी जल्दी खुल गई। काश काश आज इसकी माँ भी जिंदा होती। देखा, आराम से बैठो, मैं भी उसे बता के आता हूँ। पंत जी के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पंत जी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो
सबके साथ बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो अच्छे डायरेक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और उनके साथ जब भी मैंने काम किया है तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है एक एक चीज़ को, एक एक मोमेंट को, क्योंकि वो भी बहुत, उनका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, सबके साथ घुल मिल जाते हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक, बड़ों से लेकर छोटे तक, सो एकदम फ्रेंडली नेचर है उनका, और यही हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पंत सर कॉमेडी में काफ़ी अच्छे हैं, पकड़ है, और मैंने कॉमेडी नाटक ही किया उनके साथ खास तौर पर, यही बाकी रंगभूमि में किया है, अच्छे डायरेक्टर है, और मतलब कॉमेडी कैसे पकड़ते हैं, कट टू कट, एक्शन रिएक्शन, मतलब टाइम। और आपको दोनों में फ़र्क कैसे है? कॉमेडी नाटक ये है कि मतलब कॉमेडी में ये है कि आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इमोशनल नाटक में करेक्टर में जाना पड़ता है, इसमें भी जाना पड़ता है पर उतना नहीं जाना पड़ता है। दादाजी के जो सात भाई थे, पप्पू, लाला, किट्टू, बिल्लू,